हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ टू टाइप्स चटनी शेयर कर रही हूँ। ये खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी होती है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। चटनी को बनाने के लिए, पीली चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ फ्रेश कोकोनट लिया है। इसको मैंने पीछे से ब्लैक छिलक है इसका उतार दिया, इसको बारीक काट लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी कोकोनट लेंगे, आधा कटोरी पीनट लिए मूंगफली। इसको कच्ची थी, इसे मैंने रोस्ट कर लिया और इसके छिलके उतार दिए हैं। हमने यहाँ नारियल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, हम एक जार में डाल लेंगे। और नारियल से आधा हम पीनट लेंगे जो रोस्ट किए हमने, इसके आधा हम इसमें डाल देंगे। और आधा चम्मच चीनी पाउडर, दो हरी मिर्ची, नींबू का रस डालेंगे एक चम्मच, थोड़ा सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डालेंगे। और येलो कलर है जो हम पानी में मिक्स करके डालेंगे, थोड़ा सा एक पिंच येलो कलर लेंगे और इसे हम पानी में मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे, बाकी जरूरत के अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ चटनी को ग्राइंड कर लिया है, देखिए ग्राइंड हो गई है चटनी। हमने इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाला है, आप खट्टा मीठा आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी होती है। इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। आप चीनी आपकी मर्जी से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ हाफ चम्मच लिया है। अब हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। पुदीने को मैंने एक कटोरी पुदीना लिया है, इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। डालेंगे इसमें भुने हुए चने की दाल ली है मैंने यहाँ, रोस्टेड चने घोड़े बोलते हैं, दो चम्मच लिए मैंने यहाँ। हरी मिर्ची ली है, मीडियम स्पाइसी है। आधा चम्मच चीनी लेंगे, खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा वाइट नमक और थोड़ा काला नमक डालेंगे हम इसमें, दोनों नमक डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा पानी आवश्यकता अनुसार डालेंगे हम इसमें। आइए ग्राइंड करते हैं। हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ दोनों चटनी बना ली है, ये पुदीने की चटनी और ये येलो चटनी, दोनों ही खट्टी मीठी और बहुत स्पाइसी है। ये हम सैंडविच रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।